के पुलिस कंट्रोल रूम परिसर में भोपाल के श्यामला हिल्स थाने में पदस्थ टीआई हाकम सिंह पवार ने कंट्रोल रूम में ही पदस्थ एएसआई रंजना खांडे को गोली मारकर खुद पर गोली चलाकर सुसाइड कर लिया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसआईटी गठित की गई थी। पुलिस ने टीआई की तीसरी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। अन्य अभी फरार हैं जिनकी तलाश पुलिस अभी कर रही है। मामले में एक और एसआईटी की जांच चल रही थी, वहीं दूसरी ओर रेशमा शेख उर्फ जग्गू नामक महिला ने टीआई की तीसरी पत्नी होने का दावा किया था। वहीं घटना के मुख्य गवाह माने जा रहे घायल एएसआई के भाई कमलेश खांडे की मौत जलने से हो गई थी। वहीं एसआईटी ने मृतक टीआई के मोबाइल तकनीक और वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर जांच की तो खुदकुशी मामले में चार लोगों को आरोपी बनाया था। महिला एएसआई रंजना खांडे और उसके मृतक भाई कमलेश खांडे को आरोपी बनाने के साथ ही एसआईटी ने जांच के दौरान टीआई की तीसरी पत्नी रेशमा शेख और व्यापारी गोविंद जायसवाल के खिलाफ आत्महत्या के दुष्प्रेरण की 306 के तहत मामला दर्ज किया गया था। पुलिस टीआई हाकम सिंह की कथित तीसरी पत्नी रेशमा शेख को गिरफ्तार कर ली है। इंदौर पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र ने बताया है कि चार में से एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, वहीं अन्य दो आरोपियों की तलाश जारी है। एसआईटी ने इस घटना से जुड़े जितने भी साक्ष्य हो सकते हैं, चाहे प्रत्यक्ष दर्शियों के साक्ष्य, चाहे बहुत सारे जो वैज्ञानिक तकनीकी साक्ष्य हो सकते हैं, कॉल से जुड़ी जो तमाम लॉग और बाकी जो जानकारियां हो सकती हैं, उनके परिवारजनों के जो बयान हो सकते हैं, इन सारे चीजों पर पुलिस ने गहराई से काम किया और अंततः उसमें पाया गया कि इस पूरे घटनाक्रम के पीछे प्रथम दृष्टया जो साक्ष्य है उसमें तीन चार लोगों की भूमिका पाई जा रही है और वह इस तरह के दुष्प्रेरण के लिए मुख्य तौर पर उत्तरदायी पाए गए। उनको ध्यान में रखते हुए, तथ्यों को ध्यान में रखते हुए प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है और उसके बाद पुलिस उससे जुड़े हुए तमाम बिंदुओं पर और विवेचना कर रही है और उनकी उसमें एक व्यक्ति की भी गिरफ्तारी हुई है, बाकी की पुलिस गिरफ्तारी करके उनसे पूछताछ करेगी। बड़वानी सेंधवा में रामनवमी जुलूस के दौरान उपद्रव मामले में युवती सहित फरार चल रहे तीन आरोपियों पर 2,500 का इनाम घोषित किया गया है। सेंधवा के जोगवाड़ा रोड पर रामनवमी जुलूस के दौरान हुए विवाद के तीन आरोपी वसीम, दानिश और शबा पर बड़वानी पुलिस अधीक्षक ने 2,500 का इनाम घोषित किया है। तीनों ही आरोपियों पर मामले दर्ज हैं और तीनों ही आरोपी फरार चल रहे हैं। इसी के चलते तीनों आरोपियों पर पुलिस द्वारा इनाम घोषित किया गया है। यह अभी जो रामनवमी के समय में जो घटनाएं हुई थी उसमें अपराध पंजीबद्ध हुए थे, उसमें तीन आरोपी उन मामलों में अभी भी फरार चल रहे हैं। इसमें वसीम तेली है, दानिश उर्फ भल्लू और एक सवा महिला है। इन तीनों पर 2,500 रुपये का इनाम है और जो भी जनता का व्यक्ति भी यदि इसमें कोई सूचना देता है तो उनको भी उचित इनाम दिया जाएगा और पुलिस भी इनकी तलाश कर रही है, शीघ्र इनको अरेस्ट करेगी। नवीन शिक्षा सत्र शुरू होने के एक माह बाद भी शिक्षक नहीं पहुंचे स्कूल, ग्रामीणों ने आवेदन देकर बीईओ को शिकायत की। पाटी विकासखंड के शासकीय उत्कृष्ट प्राथमिक विद्यालय पटेल फलियावलन के शिक्षक दिनेश यादव द्वारा नवीन शिक्षा सत्र शुरू होने के एक माह बीत जाने के बाद भी स्कूल का ताला नहीं खुला। प्रवेश उत्सव के दिन भी स्कूल बंद रही। शिक्षक की शिकायत लेकर ग्रामीण विकासखंड शिक्षा अधिकारी के कार्यालय पहुंचे ग्रामीण लाला पटेल ने वर्तमान में बच्चों के एडमिशन चल रहे, कक्षा पांचवी उत्तीर्ण कर चुके बच्चों को छठवीं में एडमिशन दिलाना है, जिसके लिए आवश्यक दस्तावेज अंक सूची व दाखिला होना जरूरी है, लेकिन शिक्षक स्कूल ही नहीं पहुंच रहे हैं, जिसके कारण अंक सूची व दाखिला नहीं मिल पा रहा है, इसलिए बच्चों को अन्य स्कूल में एडमिशन भी नहीं मिल रहा। शिक्षक दिनेश यादव से फोन पर संपर्क करने पर फोन रिसीव नहीं करते हैं। शिक्षक की घोर लापरवाही के चलते बच्चों का भविष्य अंधकार में है। आवेदन लेके आया हम, जो बच्चे को पढ़ाने में जो दिनेश यादव सर है वो अपने जो स्कूल में आते थे बच्चों को पहले जो पढ़ाते थे, पर अभी एक महीने से वो ना कहीं हमारा फ़ोन अटेंड कर रहा है, ना कहीं मोबाइल से बात कर रहा है, कुछ भी नहीं, बात भी नहीं कर रहा है। तो हमारे जो बच्चे पढ़ने के कारण से वंचित हो रहा है, इसलिए हम ये शिकायत लेके यहाँ पर आए। दो सानों के आपस में लड़ाई के दौरान एक सान की मदद के लिए आमजन को आना पड़ा मैदान में। लड़ाई के दौरान नाली में फंसे सान को एक घंटे की मशक्कत के बाद निकाला गया नाली से। बलवाड़ी में एक सान गहरी नाली में फंस गया, जिसे ग्रामीणों ने देखा तो अलग अलग जतन और तरीके से उसे निकालने का प्रयास किया। किसी ने रस्सी से तो किसी ने बलिया लाकर उसे सपोर्ट दिया। 25 से 30 ग्रामीणों की सहायता से करीबन एक घंटे तक सांड को नाली से निकालने का प्रयास किया गया। सांड के नाली में फंसे होने से कड़ी मशक्कत के बाद ग्रामीणों की मेहनत रंग लाई और अंततः सांड का सफल रेस्क्यू किया गया। ग्रामीणों ने बताया सुबह सुबह दो सांडों की लड़ाई काफी देर तक चलती रही। एक सांड नाली में गिर गया,
नाली में फंस गया। सुबह मंदिर जाने वाले लोगों ने देखा कि सांड नाली में फंसा है। एक दूसरे को इकट्ठा कर उसे जन सहयोग के साथ निकाला गया। सांड आपस में लड़ाई करते वक्त एक सांड उसमें से नाली में भयंकर फंस गया था, जिसको जन सहयोग से सभी के द्वारा एक घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद रस्सी बांधकर नाली तोड़कर निकाला गया। सेगांव में पर्याप्त मात्रा में डीएपी खाद नहीं मिलने व एप्को खाद की कमी को लेकर सोसाइटी में किसानों की भीड़ लगी। कांग्रेस नेताओं ने धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी। कहते हैं कि किसान की किस्मत में हमेशा समस्या लिखी रहती है, जहां क्षेत्र में इंद्र देवता की मेहरबानी के बाद आखिर किसान खाद के लिए परेशान हो रहा है। आदिम जाति सेवा सहकारी संस्था से गांव में हजारों किसानों के लिए मात्र 500 बैग डीएपी खाद आया है, जिसमें भी 200 बैग रसगांव व 300 बैग का किसानों को वितरण किया जा रहा है, जबकि रसगांव व सेगांव में किसानों की संख्या 1000 के आसपास है, जिससे 500 बैग खाद ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। इसी को लेकर आज किसानों ने कांग्रेस सहकारिता प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष राजेंद्र सिंह मनलोई व नव निर्वाचित जनपद सदस्य ओम पाटीदार की उपस्थिति में आदिम जाति सेवा सहकारी संस्था में पर्याप्त मात्रा में खाद देने की मांग की है, जिस पर कांग्रेस नेताओं ने सरकार व प्रशासन को चेतावनी भी दी है कि अगर समय पर किसानों को पर्याप्त मात्रा में डीएपी खाद उपलब्ध व एप्को खाद की कमी दूर नहीं की जाती है तो धरना प्रदर्शन किया जाएगा। अभी सोसाइटी में बहुत सारे रसगांव के किसान महिला और पुरुष सभी इकट्ठे हुए खाद पर्याप्त मात्रा में शासन से द्वारा मिल नहीं रहा थे। मतलब किसानों का आज आवश्यकता है, बारिश होने से किसानों का आज तत्काल खाद की जरूरत है और शासन से खाद बराबर पर्याप्त मात्रा में मिल नहीं रहा है। और दो बोरी अगर किसानों को दिया जाता खाद तो इससे किसान को कुछ भी नहीं होता है, जबकि बाजार में खाद डीएपी खाद उपलब्ध है। यहाँ पर जो सोसाइटी है, जैसे केली में एक महीने से खाद दिया है, बढ़वाली में एक महीने से खाद दिया है, तलकपुरा में भी नहीं खाद डीएपी मिला, तो शासन से हम यह आग्रह करते हैं कि खाद की व्यवस्था तत्काल कराई जाए। इंदौर में कर्ज से परेशान जूस संचालक ने मौत को गले लगा लिया। मौके पर पहुंची एरोड्रम पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। दरअसल घटना इंदौर के एरोड्रम थाना क्षेत्र के विजयश्री नगर की है। यहाँ 32 वर्षीय जगदीश ने खुदकुशी कर ली। बताया जा रहा है मृतक जगदीश गंगवाल बस स्टैंड पर किराए की दुकान लेकर जूस सेंटर चलाता था और उसके ऊपर कर्ज होने की बात सामने आई है। साथ ही परिजनों का कहना है कि पिछले कई दिनों से जगदीश बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित था। फिलहाल पुलिस ने मर्ग कायम कर जाँच शुरू कर दी है। एक व्यक्ति जिसका नाम जगदीश पिता सुल्तान सिंह उम्र 32 साल निवासी विजयसी नगर है, घर में फांसी लगा ली है, जिसे एमबा हेतु इलाज हेतु लाए थे, जहां पर उसको मृत घोषित किया गया है। आज उसका पीएम कराया जा रहा है और कार्रवाई जारी है। इंदौर शहर बदमाशों का अड्डा बन चुका है। यहां अवैध वसूली के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। एक ऐसा ही मामला पंडरीनाथ थाना क्षेत्र में सामने आया है, जहां एक युवक को बदमाश ने इतना पीटा कि उसकी मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केवल केस दर्ज कर अपना हाथ बचा लिया है। दरअसल पंडरीनाथ थाना क्षेत्र में एक युवक की बदमाशों ने पीट पीट कर हत्या कर दी। क्षेत्र का बदमाश अवैध वसूली को लेकर उससे विवाद कर रहा था। इसके बाद आरोपी ने उसके साथ बेदर्दी से मारपीट शुरू कर दी। परिजन जब उसे गंभीर हालत में हॉस्पिटल लेकर पहुंचे तो डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिजनों ने पुलिस पर आरोप लगाए हैं कि मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने आरोपी को अब तक गिरफ्तार नहीं किया है। वहीं बीते 15 दिनों से बदमाश फरार चल रहा है। जांच अधिकारी घनश्याम मिश्रा ने बताया कि मामले में मारपीट का केस दर्ज किया गया था। युवक की हालत गंभीर थी, फिलहाल इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई है। परिजनों ने बताया है कि मृतक शोएब दोस्त के साथ मच्छी बाजार में हमाली का काम करता था। आरोपी वहां पर अवैध मादक पदार्थों की तस्करी भी करता है, वहीं अवैध वसूली भी करता है। आरोपी सरफराज द्वारा मृतक मोहम्मद शोएब पिता मोहम्मद जाहिद के साथ मारपीट की गई थी और मारपीट के दौरान जो उसे चोट आई थी तो उसे पहले उसके परिजन चोइथराम अस्पताल ले गए थे और उसी दिन अग्रिम इलाज के लिए एम्बुलेंस लाए थे। आज इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई है, जिस पर से मर्ग कायम कर जांच की जा रही है। इंदौर चंद्रनगर पुलिस ने 3 बैटरी चोरों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से बड़ी मात्रा में बैटरी बरामद की गई है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है, जिसमें और भी माल बरामद होने की उम्मीदें जताई जा रही है। मामला इंदौर के चंद्रनगर थाना क्षेत्र का है। क्षेत्र के ही रहने वाले 3 आरोपियों को इस्तेमाल की हुई ई बैटरी के साथ पकड़ा गया है। आरोपियों से बड़ी मात्रा में इस्तेमाली वाहनों की बैटरी मिली है। जब पुलिस ने उनसे पूछताछ की तो बैटरियों के बिल मांगे तो वो पेश नहीं कर पाए। वहीं तीनों आरोपी पेशे से कबाड़ी हैं, जो पुराना माल भी खरीदते हैं। फिलहाल पुलिस ने तीनों आरोपियों
को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ शुरू कर दी है, जिसमें और भी माल बरामद होने की उम्मीद है। तीन बैटरी चोर पकड़ाए थे चंदनगढ़ क्षेत्र से, जिसमें कुल 27 बैटरियां थी, यूज की हुई थी बैटरियां। आरोपी तीन आरोपी थे, राज बहादुर, मनीष और शुभम करके तीन आरोपी थे। तीनों जो बैटरियां थी उसके बिल पेश नहीं कर पाए, संभवतः चोरी की बैटरियां बना रहे थे। उन्हें सिलसिला क्रमांक 2 दर्ज कर नोटिस दिया गया है।